वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज एनपीएस के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज आई थी, उसी को शेयर करना था। अगर ये न्यूज सही हो जाती है कुछ सालों में तो एनपीएस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये न्यूज है द हिंदू की और द हिंदू ने टाइटल भी दिया है नो एन्यूटी राइडर, एनपीएस सब्सक्राइबर गेट ₹5 लाख एग्जिट ऑप्शन। देखते हैं इस न्यूज के बारे में क्या है ये लेटेस्ट न्यूज, फिर उसकी चर्चा करेंगे हम। ये किसने कहा है ये न्यूज के बारे में देखिए। सबसे पहले द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस विल नो लॉन्गर कंपेल इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट 40% ऑफ देयर अकुमुलेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस इनटू एन एन्यूटी एज पुअर यील्ड्स ऑन एन्यूटीज एंड हाई इन्फ्लेशन आर ट्रांसलेटिंग इनटू नेगेटिव रिटर्न्स, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय सेड ऑन थर्सडे। अब ये सारी की सारी कहानी क्या है, किसके हवाले से ये खबर है? ये सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं जिन्होंने गुरुवार को ये खबर दी है, न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है, उसी संबंध में है ये सारी की सारी न्यूज। उन्होंने कहा है कि जो 40% कॉर्पस रखते हैं रिटायरमेंट पे 100% होता है, तो 100% में से 40% की हम एन्यूटी खरीदते हैं। तो इनका कहना है कि कुछ समय से जो मार्केट का रिटर्न है, जो हम बॉन्ड्स में इनमें लगाते हैं पैसा, उससे उतना रिटर्न नहीं आ रहा जितना कि महंगाई ज्यादा हो रही है और रिटर्न कम आ रहा है लोगों को, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। ये उन्होंने सारी कहानी कही है। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है फिर। द रेगुलेटर विल इशू फ्रेश रूल्स टू सून अलाउ दोस सेविंग्स अप टू ₹5 लाख इन द एनपीएस टू टेक द होल अमाउंट एट रिटायरमेंट अप फ्रॉम 2 लाख एट प्रेजेंट। पहले किसी का अगर फंड 2 लाख रुपए तक होता था रिटायरमेंट के तक, तो वो पूरा का पूरा पैसा निकाल सकता था, ऐसी उसको अनुमति थी, अधिकार था। अब इस 2 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर जल्द ही किया जाने वाला है 5 लाख रुपए। पहली न्यूज क्या है कि जो अगर किसी, मान लीजिए कोई अभी नौकरी में लगा और उसका रिटायरमेंट जल्दी है, तो उसके अगर फंड में 5 लाख रुपए तक होंगे तो उसे 5 लाख रुपए तक का पूरा पैसा कैश में मिल जाएगा, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, कैश में जब भी लोगे पेंशन कुछ नहीं मिलेगी। तो अभी तक ये 2 लाख की लिमिट थी कि अगर आपके खाते में केवल 2 लाख रुपए ही है एनपीएस के, तो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। इस लिमिट को आगे बढ़ाकर 5 लाख किया जाने की योजना है और बहुत जल्दी किया जाएगा, ऐसा इन चेयरमैन का कहना है। ठीक है, और क्या है देखिए, पॉजिटिव रिटर्न्स सून एनपीएस सेविंग्स अप टू 5 लाख कैन बी विड्रॉन एंटायरली एट रिटायरमेंट। तो जैसा कि मैंने कहा, 5 लाख तक की रकम को आप सारी की सारी कैश में निकला सकते हैं, लेकिन निकलाने का, अगर निकाल लेंगे आप सारा का सारा पैसा, तो आपको एन्यूटी कोई नहीं मिलेगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ये भी चीज ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर दोस विद हायर सेविंग्स द मैंडेट टू एन्यूटाइज 40% ऑफ द कॉर्पस इज बीइंग रिव्यूड। अब अभी एक चीज और रिव्यू हो रही है, अभी हम क्या करते हैं 100% में से 40% हम एन्यूटी खरीदने में लगा देते हैं और उस 40% एन्यूटी जो खरीदते हैं उससे हमें पेंशन मिलती है। चेयरमैन सर का ये भी कहना है कि भविष्य में ये भी तय किया जाएगा कि जो ये 40% का कंपलसरी हमने कर रखा है, इसको भी हम कम करें, यानी कि 40% की बजाय इसे 30% करें, 20% करें, ऐसी भी उनकी योजना है, जैसा भारत सरकार निर्देश देगी। तीसरा पॉइंट क्या है, मेंबर्स कैन ऑप्ट टू रिटेन 40% ऑफ द कॉर्पस इन एनपीएस एंड विड्रॉ ओवर 15 इयर्स। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं एनपीएस के, वो 40% रिटेन भी कर सकते हैं कॉर्पस को एनपीएस में, और चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं 15 साल के बाद। ऐसा भी उनका सुझाव है कि 15 साल के बाद वो 40% जो पैसा रखना चाहते हैं उसे पूरा का पूरा विड्रॉ भी करने की ऐसी उनकी योजना है कि ऐसे कानून लाए जाए, संशोधन लाए जाए एनपीएस में। फिर है डिसीजन टेक एज लो एन्यूटी रेट्स एंड हाई इन्फ्लेशन ट्रांसलेटेड इनटू नेगेटिव रिटर्न्स फॉर पेंशनर्स। हो रहा क्या है फ्रेंड्स, ये सारी कहानी क्यों गढ़ी जा रही है कि नए नए जो लोग अभी लग रहे हैं एनपीएस में और जो मात्र 5-10 साल ही नौकरी कर रहे हैं, उनको एनपीएस में सबसे तगड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो अभी जैसे कोरोना काल भी चल रहा है तो मार्केट गिरा हुआ है, तो उनका जो एनपीएस का रिटर्न है वो पॉजिटिव में छोड़ो, जीरो छोड़ो, नेगेटिव में भी जा रहा हो, जाहिर बात है नेगेटिव जा रहा होगा, और मार्केट में इन्फ्लेशन भी है। इससे बढ़िया तो वो किसी एफडी में डाल देते बैंक के, तो उसको ज्यादा रिटर्न मिल जाता उनको, या कोई लैंड वगैरह खरीद लेते तो वहां ज्यादा रिटर्न मिल जाता। तो यहाँ एनपीएस में रहने से तो उनको कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है, इवन नेगेटिव रिटर्न होने से क्या हो रहा है, जो उनका अमाउंट है वो भी घट रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, जो रिटर्न्स है उनके
प्रॉब्लम को देखते हुए एनपीएस ये संशोधन लाने वाला है, ऐसा चेयरमैन सर का कहना है कि जल्द ही ऐसे संशोधन लाए जाएंगे जिससे आप एक तो 5 लाख तक के अमाउंट को निकलवा सके, दूसरा जो 40% आप कॉर्पस रखते थे उसको कम किया जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी कॉर्पस रखें, हो सकता है ये 40% से घटाकर 20% पर लाया जाए कॉर्पस और बाकी का 80% आपको कैश में दे दिया जाए, तो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई दुराय नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिट ही है। और नीचे क्या कहा गया है देखिए, सेपरेटली अमेंडेड विल बी मेड टू द पीएफआरडीए एक्ट 2013 टू अलाउ एनपीएस मेंबर्स विद ए बैलेंस ऑफ 5 लाख रुपीज टू रिटेन 40% ऑफ द कॉर्पस इन द एनपीएस और विंड इट टू डाउन ओवर ए फ्यू इयर्स थ्रू ए सिस्टम एकिन टू ए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कहने का मतलब वो ये सारी की सारी जो मैं अभी ऊपर बात कही, ये मैन जो काम करने वाला है एनपीएस जो सबसे बड़ा है वो ये है, जो शॉर्ट टर्म के लिए एनपीएस ज्वाइन किया है जिन लोगों ने, उनका मात्र और मात्र कितना अमाउंट बनता है एनपीएस में, 5 लाख तक का, तो उन्हें एन्यूटी खरीदने की जरूरत नहीं है। जो पहले उनके लिए 2 लाख की सीमा थी उसे बढ़ाकर अब कितना किया जाने वाला है आगे आने वाले वर्षों में, 5 लाख किया जाने वाला है, वो अपना पूरा अमाउंट निकाल के जा सकते हैं। दूसरा जो 40% का था सारा खेल उसको कम किया जाएगा और हो सकता है 40% को घटाकर 20% या 30% पर लाया जाए और बाकी का पैसा कैश में कस्टमर को यानी कि सब्सक्राइबर को दे दिया जाए। ये अभी न्यूज है, अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है एनपीएस में, जब भी अमेंडमेंट होगा मैं आपको क्वेश्चन सीरीज में अपनी जरूर लेके आऊंगा इस अमेंडमेंट को, अभी फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ क्वेरीज आई थी कि सर ये क्या है, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बना दिया है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।